एवरीवन, दिस इज अवे शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट सिस्टमैटिक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं 10 ऐसे कॉलेजों के बारे में जो जूसा की काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करते हैं तो इनकी जो कट ऑफ रैंक होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, लेकिन जब ये कॉलेज सीएससीबी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनकी जो कट ऑफ रैंक होती है वो काफी ज्यादा लो हो जाती है, जिसके कारण एक लो परसेंटाइल के कैंडिडेट जिसकी रैंक 50,000 प्लस होती है जेईई मेंस में, तो उसको भी ये कॉलेज इजिली अलॉट हो जाते हैं। एंड ये कॉलेज ऐसे नहीं है कि इनकी रेपुटेशन कम है, ये काफी अच्छे कॉलेज हैं, सीएससीबी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इनमें कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं एंड कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो दोस्तों, ये काफी अच्छे कॉलेज हैं, इन कॉलेजों में आपको एक अच्छी ब्रांच एक कम परसेंटाइल पे मिल जाती है। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट कुछ कैंडिडेट है जिनके मुझे कमेंट्स आती हैं कि परसेंटाइल कम है, वो इन कॉलेजों को प्रिफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं। दोस्तों, इन कॉलेजों के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल भी आपको दे दूंगा, इनका कैंपस कैसा है एंड इनके प्लेसमेंट्स कैसे हैं एंड इनकी फीस स्ट्रक्चर कैसी है, स्टेब्लिश कब हुए एंड लास्ट में बता दूंगा इन कॉलेज के कट ऑफ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। सबसे पहले है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि चंडीगढ़ में है एंड 1921 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड 2019 में इसके NIRF रैंकिंग काफ़ी इंप्रेसिव है, 78 है एंड फीस स्ट्रक्चर भी इसका एक NIT के ही इक्वल है। इसकी पर सेमेस्टर फीस जो है वो 79,250 रुपये है एंड इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस का काफ़ी अच्छा है, कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी है। इसके बाद आपको यहाँ पे हॉस्टल्स मिल जाएंगे जिनका आपको फीस अलग से पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर। इसके बाद दोस्तों, इसके प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं, प्लेसमेंट का मैंने एक यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिखा रखा है, तो यहाँ पे लगभग हर ब्रांच में प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, कंप्यूटर साइंस में स्पेशली यहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, ये कॉलेज एक NIT के ही बराबर है, कई NITs हैं उनसे ये कॉलेज काफ़ी ऊपर है एंड इसकी जो रैंक होती है, क्लोजिंग रैंक होती है, वो NIT से काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है ना, हाई रैंक पे ये कॉलेज बंद होता है। तो दोस्तों, इसकी जो कट ऑफ है 2018 के, मैं बता देता हूँ, अदर होम स्टेट के लिए 115,266 है एंड अदर स्टेट के लिए 79,453 है। ये जो इसकी मेटलर्जी ब्रांच है इसके लिए ये जो कट ऑफ है ये थे, ठीक है ना, ये क्लोजिंग रैंक है जो कि CSAB की है। तो दोस्तों, ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, अगर आपकी रैंक 50,000 प्लस है एंड अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो आपको ये कॉलेज प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इस कॉलेज के प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे हैं एंड इस कॉलेज की जो NIRF रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात कर लेता हूँ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिसरा रांची। इसको आप बिट्स पिलानी से कंपेयर मत करना, बिट्स पिलानी एंड बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिसरा रांची दोनों अलग अलग हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में, NIRF रैंकिंग 2019 में थी इसकी 33 एंड जो इसका फ़ी स्ट्रक्चर है काफ़ी थोड़ा सा NIT से ज़्यादा है, पर सेमेस्टर इसमें आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी 1,24,500 रुपये एंड इसमें हॉस्टल फ़ीस अलग से इंक्लूड होगी, तो इसके हॉस्टल फ़ीस भी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके बाद इसका जो कैंपस एरिया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंप्रेसिव है, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है एंड इसके प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छे हैं। ये प्लेसमेंट का एक ग्राफ है 2017-18 का, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इसके प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे, एवरेज प्लेसमेंट जो इसका जाता है वो 9,11,000 रुपये का जाता है एंड जो मीडियम प्लेसमेंट था वो था 7,5 का, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है पर NM। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसके बाद कट ऑफ बता दूँ तो 2018 में इसकी होम स्टेट की क्लोजिंग रैंक जो थी वो थी 224,983 एंड अदर स्टेट के लिए 1,07,589। इसके बाद नंबर 3 पे आता है असम यूनिवर्सिटी सिलचर, तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड इस्टेब्लिश हुई थी 2006 में, NIRF रैंकिंग 2019 में इसकी थोड़ी सी कम थी, ये थी आउट ऑफ 200। एटलीस्ट अब जो मैं आगे कॉलेज बताने वाला हूँ उनके NIRF रैंकिंग 2000 के बाहर ही है एंड फ़ी स्ट्रक्चर जो इसका है तो ये 56,200 रुपये पर सेमेस्टर फीस है, प्लेसमेंट इसके एवरेज हैं एंड कट ऑफ इसके होम स्टेट के लिए था 10,54,550, जी हाँ 10,54,550 एंड अदर स्टेट के लिए 9,72,051, तो कट ऑफ इसके काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इसके बाद मिजोरम यूनिवर्सिटी है आइजवाल में, इसके जो इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में, NIRF रैंकिंग 2019 में इसकी आउट ऑफ 200 है एंड फी स्ट्रक्चर इसका आप असम यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर सकते हो, कैंपस काफ़ी अच्छा है, कैंपस लाइफ भी अच्छी है, आपको अगर ग्रीनरी चाहिए तो आपके लिए ये कॉलेज बेस्ट है, ठीक है ना, मिजोरम में है एंड प्लेसमेंट इसके एवरेज हैं एंड कट ऑफ जो इसके ऑल इंडिया लेवल पर जो थी वो थी 2,65,474, इसमें होम स्टेट या अदर स्टेट नहीं लगता है, ऑल इंडिया लेवल का कोटा लगता है ऑल, तो जो इसकी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,65,474। इसके बाद पाँचवें नंबर पर आता है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी तेजपुर, इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में एंड NIRF रैंकिंग भी इसकी 200 के बाहर है, फ़ी स्ट्रक्चर भी इसका आप
मिजोरम एंड असम यूनिवर्सिटीज कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद प्लेसमेंट इसके एवरेज हैं यार, उन जो असम यूनिवर्सिटीज़ है इससे ज़्यादा प्लेसमेंट इसके हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो इसके कट ऑफ है 2018 में, ये ऑल इंडिया लेवल पर चलता है। ये था आपको मिलेगा 383,446, ये जनरल के कैटेगरी के कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद छठे नंबर पर आता है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, इस्टेब्लिश हुआ था 1902 में, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है यार, ठीक है ना। 1902 में इस्टेब्लिश हुआ, काफ़ी पुराना कॉलेज है। एंड NIRF रैंकिंग थोड़ी सी इसकी कम है, वो 200 के बाहर ही है। फी स्ट्रक्चर जो है ये NIT के बराबर ही है, 79,500 एंड पर ईयर है। एंड NIT का जो होता है तो ये पर सेमेस्टर होती है फीस, लेकिन ये NIT से कम है सॉरी। एंड इसका कैंपस काफ़ी अच्छा है, कैंपस लाइफ बेटर है यहाँ की। एंड इस कॉलेज में प्लेसमेंट एवरेज है, और ऑल इंडिया लेवल पर इसके जो कट ऑफ थे वो थे 10,42,709, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 7 पे आता है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, कटरा जम्मू कश्मीर में है। इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, एंड रैंकिंग ये 200 के बाहर है। इसके बाद फी स्ट्रक्चर जो है ये 1,56,750 रुपये पर ईयर है, यानी NIT के बराबर इसकी फीस है। इसके बाद कैंपस काफ़ी अच्छा है, एंड जम्मू कश्मीर साइड के कैंपस वैसे भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके बाद प्लेसमेंट जो है वो नंबर ऑफ प्लेसमेंट तो यहाँ पे कम है, बट जितने प्लेसमेंट होते हैं वो अच्छे होते हैं। इसके बाद कट ऑफ जो है तो ये ऑल इंडिया पर ये गया था 293,505। नंबर 8 पे आता है सेंट लॉन्गवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, पुराना कॉलेज है। NIRF रैंकिंग आउट ऑफ 200 है। फी स्ट्रक्चर है 47,000 पर ईयर, फी स्ट्रक्चर काफ़ी अफोर्डेबल है यार। इसके बाद इस रैंक पे आपको काफ़ी अच्छा कॉलेज मिलेगा ये कॉलेज, ठीक है ना। इसके बाद प्लेसमेंट आप देखोगे तो एवरेज है, इसके प्लेसमेंट गुड है, एक हिसाब से कह सकते हो प्लेसमेंट इसके काफ़ी अच्छे हैं। एंड कट ऑफ जो है तो 2018 में ये गया था ऑल इंडिया लेवल पर 333,751। इनके कट ऑफ हाई इसलिए है क्योंकि ये कट ऑफ जो है वो होम स्टेट या अदर स्टेट से नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल के कट ऑफ है। तो ये जो कट ऑफ है ये ऑल इंडिया लेवल पर, इसमें कोई होम स्टेट या अदर स्टेट का कोटा नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण ये कॉलेज काफ़ी अच्छे माने जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है HVS गहरवाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में, NIRF रैंकिंग 200 के बाहर है सॉरी। एंड फी स्ट्रक्चर जो इसका 25,800 रुपये पर ईयर है, प्लेसमेंट इसके थोड़े से कम है, एंड कट ऑफ जो है इसका वो है ऑल इंडिया लेवल पर 1,90,585। इसके बाद नंबर 10 पर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इस्टेब्लिश हुआ था 1979 में, काफ़ी पुराना कॉलेज है। NIRF रैंकिंग इसकी 200 के बाहर है। फी स्ट्रक्चर जो इसका ये 28,850 पर ईयर है, प्लेसमेंट इसके एवरेज है यार, एंड कट ऑफ जो है वो 3,45,890। तो दोस्तों लास्ट के जो मैं कुछ आपको कॉलेज बताया हूँ इनमें जिनमें कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल पर है वो कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इनमें ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन चलता है। इनकी जो आप NIRF जो जोसा की काउंसलिंग के कट ऑफ देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे, ठीक है ना। एंड जो CSEB की काउंसलिंग के कट ऑफ जैसा मैंने शुरू में बताया था ये काफ़ी ज़्यादा लो हो जाते हैं, तो ये कॉलेज काफ़ी बेटर है आपके लिए कॉलेज ऑप्शन। आपकी जो रैंक होती है जो अगर 4 लाख के अंदर है उस रैंक पे, तो आपको ये कॉलेज काफ़ी बेस्ट है आपके लिए, एक बेस्ट ऑप्शन है ये कॉलेज। तो दोस्तों इनमें जो शुरू में मैंने 2 कॉलेज बताए थे, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज एंड चंडीगढ़ में, एंड सेकंड है बिरला बिट्स मिश्रा रांची, ये दोनों काफ़ी अच्छे हैं। बिट्स मिश्रा रांची की थोड़ी फीस का ज़्यादा है, तो अगर आपको फीस की प्रॉब्लम नहीं तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। कि अगर आपकी रैंक जो है तो 1.5 लाख के अंदर है एंड अदर स्टेट्स हो और होम स्टेट्स के हो तो आपको 2.5 लाख के अंदर आपकी रैंक है तो उसको प्रेफर कर सकते हो, काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों। तो दोस्तों एंड लास्ट के जो मैंने बताए ऑल इंडिया लेवल वाले वो भी काफ़ी अच्छे हैं, असम यूनिवर्सिटी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 10 कॉलेज, इन कॉलेजों से मैं जानता हूँ कि कई कैंडिडेटों को हेल्प मिली होगी, एंड कुछ को लग रहा होगा कि यार इनकी कट ऑफ काफ़ी आई है, तो आपकी रैंक के हिसाब से आपके लिए कॉलेज बेस्ट है, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।